आज 12 जून को मेरे पिता का 2015 में स्वर्गवास हुआ था, एक कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। तो आज इस बात को 7 साल हो गए हैं, आज साथ ही उनकी डेथ एनिवर्सरी है। और हमारे चंडीगढ़ रॉक गार्डन सोसाइटी ने काफ़ी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है जो आज चल रहा है अभी, जिसमें हमारे चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी श्री नितिन यादव जी, जो रॉक गार्डन के चेयरमैन भी हैं, वो आए हैं। और जो लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल साफ है कि आप सभी मन से, चाहे प्यार से बोलें चाहे आवेश में बोलें, जुड़े हुए हैं। और जुड़ना सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे अंदर पैशन नहीं होगा, हमारे अंदर इस चीज़ की भावना ही नहीं होगी, तो फिर हम आधा काम तो वहीं पे हार चुके। और जैसे बात बताई गई, नेकचंद जी का जुनून था और हमारा और आपका भी जुनून ऐसा ही बना रहे, यही श्रद्धांजलि बनी रहे, यही होती है। और बस इतनी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस बात को आप सब मानेंगे कि अकेला कोई काम सारा कुछ बढ़िया से नहीं कर सकता। नेकचंद जी ने जब, जिसे कहते हैं ना, अकेले उन्होंने एक राह पकड़ी, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, आज ये कारवां हमारे सामने दिखा। सो हम यही उम्मीद करेंगे कि हम इस कारवां को जारी रखें। और कोई भी चीज़ गलत सही जब होती है तो सब भागीदार होते हैं, और इसके अंदर हमें चाहिए, हाँ ये बात जरूर है, प्रशासन के अंदर उसकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती है, लेकिन पत्थरों में भी दिल होता है, ऐसा महसूस करा दिया है जनाब नेकचंद जी ने, स्वर्गीय नेकचंद जी ने। और इन पौधों की भावना, पंछियों की भावना, चूड़ियों की भावना, उन प्लेटों की भावना जिनसे मोहब्बत की नेकचंद जी ने, जिन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। पत्थर पुकारते हैं,